नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार दास कंपस गार्डन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बरगद के पेड़ पर में एरियल रूट लगाना है, इसको ग्राफ्ट करेंगे। इसमें देखिए पहले से भी इसमें एरियल रूट लगा हुआ है, इस देखिए यहाँ पर हम लगाए हुए हैं, ग्राफ्ट किए हुए हैं, एक यहाँ पर मैं किए हुए हैं, दूसरा यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं किए हुए हैं, एरियल रूट लगा हुआ है जो मिट्टी में जाके चला गया है। ये एरियल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं ये दोनों जो है इसका ये एरियल लगा हुआ है, एरियल रूट इसमें लगाए हैं, ग्राफ्ट करके लगाए हुए हैं। और तीसरा चाह रहे हैं, इसको लाए हैं हम एरियल रूट को जो इसमें ग्राफ्ट करके लगाना है। ये देखिए दो भागा बटा हुआ, कोई चीर दिया था इसको, ये अलग अलग हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें से निकला हुआ है झाड़ी सब। इसको हम आज ग्राफ्ट करके यहाँ पर मैं लगाना चाह रहे हैं और इसको ज़मीन में देना चाह रहे हैं। इसको जो है हम आप क्या करते हैं, अपने औजार को स्टरलाइज कर लेते हैं टूल को, इससे जिससे कोई ये नहीं रहे इसमें। ये ब्लेड है, नया ब्लेड है अभी, इसको तो स्टरलाइज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, नया है। और इसको इसमें लगाना चाह रहे हैं, तो अब इसकी मोटाई और इसकी मोटाई दोनों सेम होना चाहिए लगभग, वही देख रहे हैं कहाँ से इसको कट करें कि ये इसमें चला जाए। देखिए यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो वो उसमें चला जाएगा, ऐसे पहले कट किए उसके बाद हम इसको ब्लेड की सहायता से घी या कर का कट करेंगे। देखिए इसको यहाँ लगाना चाह रहे हैं, कहाँ लगाएं यही सोच रहे हैं। देखिए इसका ये भाग जो है इसमें बीच वाला भाग आना चाहिए, ये हो गया हमारा, बाद में इसको काट देंगे जहाँ से हमको काटना होगा। अब हम इसमें छील रहे हैं, इसको ग्राफ्ट करने के लिए हमारा इच्छा है यहाँ पर। पन्नी लिए है, साधारण पन्नी है ये, इसमें एयर नहीं जाए इसलिए ऐसा बांध रहे हैं, एयर और पानी से इसको बचाना है, एयर और पानी से इसको बचा देना है, ये ग्राफ्ट हो जाएगा।
लगभग 30 दिन में क्राफ्ट हो जाता है। देखिए इसको बांध दिए ऐसे, ये पन्नी लेके हम इसको बांध दिए हैं। अब ये हो गया इसका काम। बची हुई भाग को काट के हटा दिए। देखिए इसको क्या करेंगे हम, इस मिट्टी में डाल देना है इसको हम। मिट्टी से दाब दिए हैं जिससे कि इसमें इसको ठीक रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब हम चाह रहे हैं क्या, इसको ये करके हटा देते हैं। देखिए अब हमारे आइडियल सही है कि नहीं। देखिए ये हमारा पहले का लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है, दो है एरियल लूट लगा हुआ। अब इसको तीसरा हम इसमें लगाए हैं आज, अब सक्सेस होगा। देखिए एक सवा महीना लगता है इसको, उसके बाद सक्सेस हो जाता है, एरिया लूट इसमें लग जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। यही है हमारा ग्राफ। इसको बाद इसको हम छाया वाले स्थान पर रख देते हैं जिससे इसमें धूप नहीं लगे और पानी उनी नहीं पड़े, जिससे इसका ग्राफ जो किए हैं वो सक्सेस हो जाए। अब हम इसको पानी पटा देते हैं थोड़ा सा, उसे पानी है इसमें, पानी नहीं है ऐसी बात नहीं है, पानी थोड़ा सा पटा देते हैं। ऊपर से तो नहीं दे पाएंगे अभी, कहीं ग्राफ्ट किए हैं, ग्राफ्ट करने के बाद पानी नहीं दिया जाता है ऊपर से, तब तक हम इसको पानी से ये कर देते हैं। अब इसका हम जब ग्राफ्ट हो जाएगा तब हम इसका वीडियो दिखाएंगे आपको खोल के, और आपके सामने में 100% सक्सेस होगा ये दिखा देंगे आपको कैसे हमारा पौधा ग्राफ्ट किया जाता है। दिन के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये एरियल रूट लगाए थे, देखिए अब इसको आज हम ग्राफ्ट किए थे, इसको हम काट रहे हैं। देखिए ये हमारा सक्सेस कर गया है। देखिए ये हमारा इसमें लग गया है। देखिए ये लास्ट वाला लगाए हैं, ये है, उसके बाद इससे पहले लगाए हुए थे जो ये है। देखिए ये तीसरा है, ये दूसरा है, और सबसे पहले हम ये लगाए थे, ये है, ये एंकर रूट में गिनती आएगा। देखिए ये सब एंकर रूट हो जाएगा,
एरियल तो बहुत पतला में आता है, जो इधर है देखिए छोटा छोटा है, देखिए ये तीन है, एक हो गया, ये दो हो गया और तीसरा देख रहे हैं ये है। आ ये पौधा हमारा गिर गया था इसलिए टूट गया है, हम इसको फिर कटिंग कर दिए थे। देखिए ये पौधा जो है सो ऐसे आया है, यहाँ से ऐसे करके आया है, ये ऐसे करके आके यहाँ से ऐसे गया है यहाँ पर, इधर से यहाँ से आके ऐसे गया है। इस पर मैं एक यहाँ पर एरियल रूट लगाए हैं, एक यहाँ पर लगाए हैं और एक यहाँ पर, तीन रूट लगा चुके हैं। देखिए अब दोस्तों, देखिए अगर हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।